सो हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री फायर 2 नाइट अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको 23 अप्रैल के दिन क्या नया देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस यार, उसी के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अभी के टाइम में हमारी गेम के अंदर आपको नूला एंड एडम करेक्टर देखने को मिलता है, तो ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा रेयर होने वाला है। तो सब मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि अभी के टाइम में हमारी गेम के अंदर आपको गोल्ड रॉयल का बंडल देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे 25 अप्रैल के दिन यहाँ पे न्यू वाले रिवॉर्ड आने वाले हैं। स्पेशल यहाँ पे रिवॉर्ड, यहाँ पे प्राइस इसके अंदर यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं। और ये एक स्पिन आपको यहाँ पे 800 गोल्ड का देखने को मिलेगा, मतलब एक स्पिन आपका यहाँ पे 800 गोल्ड में होगा। और जो अभी के टाइम में आपको गोल्ड रॉयल में फ्री का स्पिन देखने को मिलता है, तो वो भी अभी आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे जाके गोल्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम आने वाला है आपके, तो इसलिए जितना भी आपके पास गोल्ड है तो प्लीज़ यार उसे बचा के रखना, वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। एंड गाइस यार, उसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के टाइम में जो अभी आपको हमारी गेम के अंदर यहाँ पे इनक्यूबेटर और यहाँ पे डायमंड रॉयल देखने को मिलता है, तो ये अभी एंड होने वाला है यहाँ पे 2023 में 1 जून के बाद आपको यहाँ पे हमारी गेम के अंदर यहाँ पे इनक्यूबेटर और डायमंड रॉयल देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं आएगा गाइस, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम डायमंड यहाँ पे बंदे लगाते हैं, तो ग्रेना वालों को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। ग्रेना वाले इतनी मेहनत के साथ इन यहाँ पे आइटम को बनाते हैं, लेकिन कोई भी इनको यहाँ पे खरीदता नहीं है, इसलिए ग्रेना वाले यहाँ पे इन आइटम को किसी और इवेंट में देंगे। तो गाइस यार, आपके पास जितने भी वाउचर हैं, जितने भी आपके पास स्टोन है, तो अभी से आपको यहाँ पे उसको यूज़ कर लेना, बाद में ये यूज़ नहीं होने वाले हैं। तो गाइस यार, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एडम और नूला करेक्टर कैसे रेयर होने वाले हैं। गाइस आप तो कहोगे कि जो भी न्यू प्लेयर आता है तो सबसे पहले उसको एडम और नूला करेक्टर ही मिलता है, लेकिन अभी क्या हो चुका है गाइस, जो भी न्यू प्लेयर आएगा तो उसको यहाँ पे नूला और एडम की जगह यहाँ पे एंड्रयू करेक्टर मिलेगा, और एडम करेक्टर ना ही आपको यहाँ पे स्टोर के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब खरीद नहीं सकते और आपको मिलेगा भी नहीं, मतलब भी पूरा ग्रेना वालों ने रिमूव कर दिया है इन दोनों आइटम को। ये सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के पास रहेगा जो कि पहले से गेम खेल रहे हैं, और जो न्यू प्लेयर आएंगे उनको ये देखने को नहीं मिलेगा, तो बहुत ही ज्यादा रेयर होने वाला है। और इससे ये पहचान हो जाएगी कि ओल्ड प्लेयर कौन है और न्यू प्लेयर कौन है। तो कसम से यार, ये वाला ग्रेना वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे बहुत ही पसंद आया। बाकी आपको कैसा लगा ये वाला अपडेट मुझे प्लीज यार कमेंट में बता देना। गाइस यार, अभी मैं आपको बता देता हूँ फ्री फायर 2 नाइट अपडेट के बारे में, आपको 23 अप्रैल के दिन क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई लोग यार कर देना, कर दो यार। एंड गाइस यार, आपको यहाँ पे 23 अप्रैल के दिन कोई भी नया इवेंट है हमारी गेम के अंदर नहीं दिखाई देने वाला है, अगर छोटा मोटा कुछ आएगा तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट डाल के बता दूंगा। तो बस भाई लोगों, यही था आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज भाई लोग यार वीडियो को लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।